दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। सो गाइस अभी आप एंजल वन में भी चार्ट पे ट्रेडिंग कर सकते हो। चार्ट पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, बाय सेल कर सकते हो, टारगेट लगा सकते हो, ऑप्शन में कर सकते हो, स्टॉक में कर सकते हो, कैसे करना है। सो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अभी गाइस यहाँ पे मैंने एंजल वन ऐप को ओपन कर लिया है। इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आपको किस में ट्रेडिंग करना है। सो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, जैसे मुझे यहाँ पे डेमो के लिए निफ्टी 50 मैं ले लेता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाने सीधा ऑप्शन चैन में। अभी गाइस यहाँ पे आपको इस साइड में सभी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आपको जिसमें भी ट्रेडिंग करना है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे डेमो के लिए यहाँ पे मैं 21,900 का जो भी कॉल ऑप्शन है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम चलेंगे सीधा चार्ट पे ही। सो यहाँ पर मैं चार्ट पे क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे आपको फुल डिटेल्स में चार्ट पे ही दिखाना है। अभी गाइस करेंटली यहाँ पर आप देखोगे जो कॉल ऑप्शन है इसने एक अच्छा मोमेंटम कर दिया है। एंड अभी यहाँ पे आपको कैसे बाय सेल करना है, सो ऊपर यहाँ पे आपको बाय और सेल करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मुझे आपको यहाँ पे बाय करके दिखाना है सो यहाँ पे मैं बाय पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको बाय पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कैरी फॉरवर्ड करना है कि इंट्राडे करना है सो सेलेक्ट कर लेना है। कैरी फॉरवर्ड में जो भी पोजीशन है इसको आप होल्डिंग कर सकते हो एक्सपायरी तक, बाकी इंट्राडे में आपको सेम डे पोजीशन को स्क्वायर अप करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे सो ऑटोमेटिकली स्क्वायर भी हो जाता है। बाकी गाइस यहाँ पे आपको कितना लॉट बाय करना है, कितने लॉट में ट्रेडिंग करना है सो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। जैसे डेमो के लिए एक लॉट यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको लिमिट प्राइस और मार्केट प्राइस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे लिमिट लगा के भी बाय कर सकते हो इस ऑप्शन को। अगर आपको मार्केट पे बाय करना है तो यहाँ पे आपको मार्केट कर लेना है इस तरीके से। बाकी गाइस यहाँ पे आपको स्मार्ट ऑर्डर भी देखने को मिल जाता है जो कि गाइस मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। एंड बाकी गाइस यहाँ पे आपको नीचे मार्जिन देखने को मिलेगा कि कितना मार्जिन लगने वाला है। यहाँ पे आपको चार्जेस कितने लगने वाले हैं, जैसे आप चार्जेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे 23 रुपये के आसपास का यहाँ पे मुझे टोटल चार्जेस लग रहा है। 20 रुपये का ब्रोकरेज लग रहा है, बाकी अदर चार्जेस लग रहा है 3 रुपये के आसपास का। अभी गाइस यहाँ पे आप देखोगे जो भी प्राइस है आपको यहाँ पे हिलते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, 10.10 पे अटक गया है। क्योंकि ऐसे ऐप थोड़ा सा आज हैंग कर रहा है, पता नहीं क्यों मेरा मोबाइल हैंग नहीं कर रहा है, ये पूरा ऐप ही हैंग कर रहा है। सो इस टाइप का कभी कभार टेक्निकल इशू हमें देखने को मिल सकता है। अभी गाइस बाय करने के लिए यहाँ पे आपको सिंपल सा बाय पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से कंफर्मेशन विंडो आ जाएगा, यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है। सो जैसे आप कंफर्म करोगे सो यहाँ पे आप देखोगे चार्ट भी बाय हो जाएगा सक्सेसफुली। कौन सी प्राइस पे आपने बाय किया है सो यहाँ पे आपको ऊपर ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है 9.50 पैसे पे, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड करेंटली यहाँ पे उसमें आपको कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है सो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। सो देख सकते हो अभी यहाँ पे 2.5 रुपये 5 रुपये के आसपास इसमें प्रॉफिट लॉस चालू है। अभी गाइस यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है सो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सो यहाँ पे मान लीजिए आपको इस लेवल का स्टॉप लॉस लगाना है 7 रुपये की प्राइस का। सो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे क्लिक करके रखना है। सो जैसे आप क्लिक करके रखोगे सो यहाँ पे आपको प्लस का आइकन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो तीसरा वाला ऑप्शन है इसको आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे सो इसके जरिए स्टॉप लॉस नहीं लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर ब्लॉक रहता है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए तीसरा ही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो फिर से यहाँ पे आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है लिमिट वाला। अभी यहाँ पे आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। ऊपर यहाँ पे आपको लॉट एंटर कर देना है कि कितने लॉट में आपको स्टॉप लॉस लगाना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल सा सेल पे क्लिक कर देना है। सो जैसे आप सेल पे क्लिक करोगे कन्फर्म करना है यहाँ पे आपको। सो जो भी आपका स्टॉप लॉस रहेगा इमीडिएटली लग जाएगा चार्ट पे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हो लग गया है। अभी गाइस बात करें टारगेट ऑर्डर की, सो यहाँ पे आपको जो भी प्राइस का टारगेट ऑर्डर लगाना है उस प्राइस पे आपको जो प्लस का आइकन है इसको आपको लेके आ जाना है। फिर से यहाँ पे आपको इस प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे आपको ऊपर वाला सेल लिमिट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको कितने लॉट में टारगेट लगाना है वो भी यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। यहाँ पे हमारे पास एक लॉट है सो यहाँ पे हम एक लॉट इंटर करेंगे, सेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। सो जैसे आप कंफर्म करोगे सो टारगेट तो नहीं लगेगा क्योंकि गाइस आप एक बार में एक ही ऑर्डर लगा सकते हो, या तो आप टारगेट लगा सकते हो या फिर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और बाकी के जो भी स्टॉप लॉस है इसको अगर आपको कैंसिल करना है सो यहाँ से आप कैंसिल पे क्लिक करोगे। फिर यहाँ पे आपको कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक करना है। सो जो भी आपका स्टॉप लॉस रहेगा कैंसिल हो जाएगा। एंड अभी टारगेट भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको कुछ भी डाउट ना रहे और आप आसानी से ट्रेडिंग कर सको। सो यहाँ पे आपको जो भी प्राइस का टारगेट लगाना है उस प्राइस पे आना है। अभी यहाँ पे आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको सेल लिमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड जो भी प्राइस है इसमें आप चाहो तो चेंजेस भी कर सकते हो अगर आपको चेंजेस नहीं करना है। सो नॉर्मल यहाँ पे आपको सेल पे क्लिक कर देना है, कन्फर्म करना है। सो जो भी आपका टारगेट ऑर्डर रहेगा यहाँ पे लग जाएगा सक्सेसफुली। और बाकी गाइस अगर आपको टारगेट ऑर्डर में कुछ चेंजेस करना है सो यहाँ पे जो क्वांटिटी है एक नंबर आ रहा है क्योंकि मेरे पास एक ही लॉट है। सो इस पे आपको क्लिक करना है, इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी प्राइस का भी एडिट करना है, चेंज करना है लिमिट प्राइस में, सो यहाँ पे आपको एंटर करना है कुछ इस तरीके से, कन्फर्म करना है।
सो जो भी आपका टारगेट ऑर्डर रहेगा एडिट हो जाएगा सक्सेसफुली, यहाँ पे आपको फिर इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप देखोगे अभी प्राइस यहाँ पे 12 हो गया है। और बाकी इस अगर आपको इस ऑर्डर को भी कैंसिल करना है सो यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हो, क्रॉस वाले सिम्बॉल पर क्लिक करना है, कैंसिल ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। सो जो भी आपका ऑर्डर रहेगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। और बाकी इस यहाँ पर आपको सभी ड्रॉइंग टूल भी मिल जाते हैं, जितने भी आपको ट्रेडिंग भी मिलता है। सो यहाँ पर आप ईजिली यहाँ पर एनालिसिस भी कर सकते हो कि मार्केट कैसा क्या परफॉर्म कर रहा है। मुझे यहाँ पर आपको जस्ट एक डेमो बताना है कि आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो। सो गाइस इसीलिए यहाँ पे मुझे जो ट्रेड है इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट फिर उस टाइम पे कुछ भी परफॉर्म करता है। यहाँ पे मैंने एनालिसिस करके ट्रेड नहीं लिया है, जस्ट एक डेमो के लिए ट्रेड ले लिया है। और बाकी गाइस यहाँ पे अगर आपको और भी बाय करना है तो फिर से यहाँ पे बाय पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप दोबारा से क्वांटिटी कितना भी आप बाय कर सकते हो, जितना भी आपको जितना लॉट बाय करना है इस तरीके से आप एंटर करोगे। एक लॉट में रहता है 50 क्वांटिटी, सो यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है। आप इंटरडे भी कर सकते हो, इंटरडे में यहाँ पे आपको रोबो ऑर्डर भी देखने को मिल जाता है। अभी के जितने भी ऑर्डर हैं इनका एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा मैं फुल डिटेल्स में। सो आज का वीडियो यहाँ पर मुझे आपको बताना था कि आप चार्ट पे किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी के लास्ट में एक और क्वेश्चन आ जाता है कि जो भी पोजिशन है इसको हमें कैसे क्लोज करना है। सो क्लोज करना भी बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। यहाँ पर आपको जो भी क्रॉस वाला सिंबल दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे लिमिट लगा के भी सेल कर सकते हो इसको, और मार्केट भी आप सेल कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको मार्केट पे क्लिक कर लेना है ताकि गाइस आपको यहाँ पे जो पोजीशन है एग्जैक्टली एकदम टाइम पे एग्जिट हो जाए, एंड यहाँ पे आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। सो जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करोगे सो जो भी आपका पोजीशन रहेगा क्लोज हो जाएगा, एंड उसमें यहाँ पे आपको कितना लॉस बुक हुआ है कितना प्रॉफिट बुक हुआ है। सो यहाँ पे आप देखोगे 40 रुपये के आसपास का यहाँ पे हमारा जो लॉस है बुक हो गया है, बट ये क्लोज हो गया पोजीशन, बट फिर भी यहाँ पे भी हेल्थी हुए देखने को मिल रहा है। सो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ऑर्डर्स वगैरह तो नहीं लग गया है। सो यहाँ पे आप देखोगे पोजीशन क्लोज हो गया है, इसमें यहाँ पे हमारा जो कॉल ऑप्शन था 25 रुपये का लॉस बुक हो गया है। अभी यहाँ पे आप देखोगे चार्ट पे भी यहाँ पे अपडेट हो गया है। सो गाइस आप कुछ इस तरीके से अभी आप एंजल वन में चार्ट पे ट्रेडिंग कर सकते हो, फुल डिटेल्स में यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। एंड बाकी गाइस इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है, सो मुझसे आप कमेंट पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।